लो। देखिए ये करेक्ट है ना, लीफ जो हाँ होता है अपने जो है अपने पौधे के लिए, अपने प्लांट के लिए खाना बनाता है, लीफ बनाता है, राइट? सो दिस इज करेक्ट, यस और नो? ठीक यस है, सबने एक्टिव होके देखना इधर, बट लीफ इज ग्रीन इन कलर बिकॉज लीफ सिंथेसाइज फूड फॉर प्लांट्स? नहीं, ऐसा नहीं है। लीफ ग्रीन क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। यस, तो इसलिए ऑप्शन बी क्या होता है, असर्शन एंड रीजन, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन। ये करेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर रहा उसका। ठीक है, और सी ऑप्शन होती है बेटा कि असर्शन करेक्ट है, रीजन की स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रीजन आ जाता, यस 6 है, आवाज आ रही है बेटा मेरी? हाथ खड़ा करो अगर मेरी आवाज आ रही है। वेरी गुड वेरी गुड, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, बट चलो आ जाएगी, देख लेते। आपने ना अपना माइक ऑफ कर दिया, वो देखो जरा कंप्यूटर से, कंप्यूटर से मैम माइक ऑफ है, 6 थे। हाँ जी, अब आ रही है, बोलो हेलो। वेरी गुड वेरी गुड, डन। चलिए हम रीजन असर्शन के टाइप्स बता रहे बेटा, सबके पास 6 थे, असाइनमेंट्स है बच्चे। मैम चेक करना, किसी के पास नहीं है तो अड़ोस पड़ोस में से लेकर उन्हें दे दीजिए प्लीज। सभी बेंचेस पे चेक करें असाइनमेंट, और सेकंड पेज पे बेटा सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स में हम रीजन असर्शन समझा रहे हैं, सबने बड़े ध्यान से समझने। ठीक है, असर्शन की स्टेटमेंट ठीक है, रीजन रॉन्ग है। जैसे रीजन की स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मुझे बताइए, 6th B, 6th B में से बेटा नव्या, नव्या इज देयर? नव्या यस बेटा आगे आ जा बच्चे, भाग कर आना, भाग कर, रन क्विकली। नव्या मुझे आपने ये बताना है बेटा, प्लांट्स में पानी कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट करती है, स्टेम करता है कि लीव्स करता है? मैम रूट्स रूट्स करती है, बिल्कुल ठीक है। अभी नव्या यही रहो यही रहो, अगर यहाँ पे मैं रीजन में लिखूं कि लीव एब्जॉर्ब वॉटर फॉर प्लांट्स, तो नव्या आपने मुझे बताना है, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट कि रॉन्ग? रॉन्ग, I'm wrong. ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, Ma'am, yes. ये स्टेटमेंट ठीक है, ये रॉन्ग है। इसका मतलब कौन सी ऑप्शन आ गई? सी ऑप्शन आ गई, असर्शन ठीक है, रीजन रॉन्ग। ठीक है नव्या, बैठो बेटा। Ma'am. चलिए जी, 6th B में से वन मोर स्टूडेंट, करणदीप। करणदीप आ जा बेटा। बी ऑप्शन होती है बेटा, असर्शन की स्टेटमेंट गलत है, रीजन की स्टेटमेंट ठीक है। चलिए मैं आपसे पूछूंगी, आपने मुझे बताना है, चलती बस इधर ध्यान से, इधर ध्यान। कार्बोहाइड्रेट्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, और
रीजन दे दिया है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट स्टार्च इज ए कार्बोहाइड्रेट। हाँ जी तरनदीप मुझे बताओ ये वाली स्टेटमेंट ठीक है बेटा, क्या कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स है? हाँ जी सिक्स बी तरनदीप थोड़ा सा याद होगा बेटा। अच्छा मुझे ये बता बेटा कि जो शुगर्स है कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें एनर्जी देते हैं कि हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं? मैम बॉडी को बनाने के लिए बनाने के लिए कि हमें एनर्जी देते हैं? जब आप खेल के जाते हो है ना, जब आप भाग कर जाते हो तो आपकी मम्मा क्या देती है आपको? ग्लूकोज देती है, यस और नो? घोल के ग्लूकोज दे दिया, ग्लूकोज ही से कार्बोहाइड्रेट, उससे क्या बनते हैं आपके मसल्स बनते हैं कि आपको एनर्जी मिलती है? एनर्जी एनर्जी मिलती है तो ग्लूकोज तो एक कार्बोहाइड्रेट है। तो अब बताओ कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं, बॉडी बनाते हैं कि एनर्जी देते हैं? एनर्जी एनर्जी देते हैं। अब तरनदीप मुझे बताओ कि कार्बोहाइड्रेट्स, आपने कहा मुझे एनर्जी देते हैं एंड आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ कि इट्स ओके। तो फिर ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? और जिन्होंने मसल्स बनाने होते हैं जो जिम्स में जाते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन्स खाते हैं है ना, प्रोटीन शेक लेते हैं, उनको डॉक्टर्स कहते हैं या उनके जो जिम इंस्ट्रक्टर्स है वो कहते हैं बहुत सारे प्रोटीन वाली चीजें खाओ। तो ये मुझे बताओ कि कार्बोहाइड्रेट्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, करेक्ट कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट इनकरेक्ट है, दिस इज रॉन्ग। और ये स्टार्च इज ए कार्बोहाइड्रेट, इज इट ट्रू कि फॉल्स? मैम ट्रू दिस इज ट्रू, वेरी गुड। तो अब आंसर कौन सा आ जाएगा, ए बी सी की डी? नहीं उसको बोलने दो बेटा, कोई और नहीं बोलेगा। ये देख, अच्छा सी और डी में, सी में असर्शन की स्टेटमेंट ठीक है रीजन फॉल्स है, डी में असर्शन की स्टेटमेंट फॉल्स है रीजन ट्रू है, बताइए कौन सी आएगी? डी मैम आएगी बेटा, वेरी गुड। ठीक है समझ में आई कैसे करेंगे? ठीक है बैठो तरनदीप, वेरी गुड। चलिए जी नाउ देयर आर, टेक 5 मिनट्स, 5 मिनट लो और ये जो रीजन असर्शन के क्वेश्चन है 13 to 17 ये करने की कोशिश करो। एवरीबडी 6A B, मैं फिर दोबारा से बता रही हूँ, ए ऑप्शन तब करेक्ट होती है अगर असर्शन की स्टेटमेंट रीजन की स्टेटमेंट दोनों ठीक है और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन, है ना। बी ऑप्शन है दोनों स्टेटमेंट ठीक है बट दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। सी स्टेटमेंट है असर्शन ठीक है रीजन की स्टेटमेंट ही गलत है, और डी ऑप्शन है कि असर्शन की स्टेटमेंट गलत है रीजन की ऑप्शन करेक्ट। ठीक है चलिए क्वेश्चन ये है, व्हेन वी मिक्स शुगर इन वाटर द शुगर डिसअपीयर्स। ये देखिए जरा इधर देखिए, लेट मी शो यू, इधर एवरीबडी हियर, ये हमने पानी लिया ठीक है। अब मैं शुगर तो नहीं, मैं सॉल्ट, क्योंकि शुगर को ज्यादा मिक्स करना पड़ेगा, ये मैंने सॉल्ट डाला। कहीं दिख रहे हैं आपको सॉल्ट बेटा? नहीं सॉल्ट क्यों नहीं दिख रहा, कहाँ चला गया सॉल्ट पानी में? वो उसमें डिजोल्व हो गया बेटा। ठीक है जैसे बेटा अगर दूध में पानी डालें राइट तो वो डिजोल्व हो जाता है, इसी तरह से हम बात कर रहे हैं कि अगर पानी में सॉल्ट या शुगर डालें तो वो डिजोल्व हो जाती है। क्यों डिजोल्व हो जाती है, सॉरी वो डिसअपियर हो जाती है, क्यों डिसअपियर हो जाती है? क्योंकि वो उसमें सोल्यूबल है राइट, सॉल्ट एंड शुगर आर सोल्यूबल इन वॉटर। और अगर ध्यान इधर इधर भी देखो, अगर मैं ये मिट्टी डाल रही हूं
ये आपको मिट्टी दिख रही है ना अभी? क्यों? बिकॉज सैंड इज सोल्युबल, वो चीजें दिखेगी क्योंकि वो नीचे बैठ जाएगी। ये देखो धीरे धीरे करके आप देख रहे हो कि नीचे पानी में बैठ रही है, क्योंकि ये सोल्युबल नहीं है। जो चीजें सोल्युबल हो मिक्स हो जाए, ठीक है। अगर कोई लेट अस से कोई नया स्टूडेंट आए, कुछ दो चार नए स्टूडेंट आ जाए, अगर वो आपके साथ मिक्स हो गए तो हमें पता ही नहीं चलेगा टीचर को कि ये नए बच्चे आए हैं। वो आप में मिक्स हो जाएंगे, आप जैसे हो जाएंगे। और अगर वो आपसे मिक्स नहीं होते तो वो कोने में या फर्स्ट में अपना जमा के हम ही यहाँ बैठेंगे, उनके फेशियल जेस्चर, उनका सब कुछ अलग होगा, तो हमें पता चलेगा कि ये नए बच्चे हैं, ये पुराने बच्चों में मिक्स नहीं हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से जो चीजें सोल्यूबल है वो दिखती नहीं है, वो डिजोल्व हो जाती है, और जो चीजें इनसोल्यूबल है वो वही रहती है, वो डिसअपियर नहीं हो। राइट, तो मुझे सिक्स्थ ए में से बेटा, सिक्स्थ ए में से बेटा राजदीप, राजदीप कम फॉरवर्ड बेटा जल्दी से, एब्सेंट है राजदीप। उदय, उदय इज देयर, आ जा बेटा। आपने असाइनमेंट लेके आ बेटा, असाइनमेंट लेके आ। चलो बाकी के करो अपना अपना, हम उदय से पूछें पहले। उदय बेटा जोर से बोलना है ना। When we mix sugar in water, the sugar disappears. True की false? क्या है ये, ट्रू है कि फॉल्स है? जोर से बोल, जोर से बेटे। शुगर अगर पानी में मिलाएं तो वो दिखती है आपको? डिसअपियर का मतलब है हमें दिखती नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? ट्रू है बेटा, कोई और नहीं बोलेगा, सिर्फ इसको बोलने, ठीक है। दिस इज ट्रू, शुगर इज सॉल्युबल इन वॉटर, ये ठीक है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रीजन एक्सप्लेन शुगर डिसअपियर्स बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वॉटर, ये ठीक है? यस और नो? जो मैं कह रही हूँ वो ठीक है ना? ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, कौन सी ऑप्शन होगी? ए बी सी डी में से कौन सी ऑप्शन होगी? असर्शन भी ठीक है, ये तो चलो नहीं हो सकती, असर्शन ठीक है, रीजन की स्टेटमेंट भी ठीक है। क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि डज नॉट एक्सप्लेन? डज द रीजन एक्सप्लेन, डज नॉट एक्सप्लेन? बेटा देखो, सॉल्ट मैंने बताया क्यों डिसअपियर हुआ पानी में से, क्योंकि वो उसमें सोल्युबल है। शुगर क्यों डिसअपियर हो जाती है पानी में से, क्योंकि वो सोल्युबल है। तो क्या ये एक्सप्लेन नहीं होता क्यों डिसअपियर हो जाती है? क्योंकि वो सोल्युबल है। इजंट रीजन एक्सप्लेन असर्शन? यस, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा बेटा? सब बोलो हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यस, आंसर क्या आ जाएगा, आपने लिखना है, इसका आंसर है ए, है ना? आपने पूरा नहीं लिखना, आपने सिर्फ आंसर्स ये लिखने हैं, आंसर इज ए, ठीक है बच्चे? बैठो बेटा, बैठो। नेक्स्ट, सिक्स्थ ए, मनवीर सिंह, मनवीर इज देयर, आजा मनवीर अपनी असाइनमेंट लेकर बेटा। मेटल्स आर लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब होता है, किसी को नहीं पता तो शाइन कर रहे हैं। ये दिख रही है आपको कॉइन, दिख रहा है क्या ये शाइन कर रहा है? तो ये मेटल का बना है, तो क्या मेटल्स लस्ट्रस होती है कि नहीं? ठीक है, चलो मनवीर को बोलने दो। हाँ जी, मेटल्स आर लस्ट्रस, ये ठीक है कि गलत है? ट्रू है बेटा, मेटल्स आर डल इन कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन। ये देखो बेटा, मैं आपको ना एक चीज दिखाती हूँ, ये आपको दिख रहा है सबको? ये क्या है, ये आयरन का बना है बेटा, ये फ्रेश आयरन है, जो ये सिल्वरी सा दिख रहा है ना, ये फ्रेश आयरन है, ये चमक रहा है, धूप पड़ रही है ना, ये चमक रहा है। और ये इसको बाहर रख दो पानी में, मॉइस्चर में, तो इसपे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, देख रहे हो ये जंग वाली?
और आप सबने देखी है आयरन नेल्स, देखी होगी कि जंग लग जाता है आपके घरों में, गेट होते हैं अगर उस पे पॉलिश ना की हो, पेंट ना किया हो, तो ऐसे जंग लग जाता है, डल हो जाते हैं। ये शाइन कर रहा है और जब उन पे रस्ट लग जाए तो वो शाइनिंग बंद हो जाती है। और ये कब होती है? व्हेन द मेटल्स आर एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन। यस और नो? ठीक है मनवीर, अब देखो सेकेंड ऑप्शन है जी, मेटल्स आर लस्ट्रस। ये करेक्ट है कि मेटल शाइन करते हैं। मेटल्स गेट डल डल इन कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन। ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है मनवीर? जब वो ऑक्सीजन, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट मेटल्स आर लस्ट्रस बिकॉज मेटल्स आर डल इन कलर। ये कोई सेंस बनती है? दोनों का कोई कनेक्शन है? नहीं नो। तो बताओ कौन सा आंसर आ जाएगा? असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो आंसर ए आएगा कि बी आएगा? बी बी आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। चलिए जी, आंसर इज बीटा, बॉम्बे। ठीक है, सिक्स्थ बी। बेटे जो ये गर्ल गर्ल एंड बॉय फर्स्ट बेंच पे बैठे, आपके पास असाइनमेंट है? यस अच्छा, ये आप लिख नहीं ना रहे असाइनमेंट पे, बेटे आंसर तो लिख दो जिसकी भी असाइनमेंट है। आंसर यस मैम डन। डन। ओके वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आ जाते हैं सिक्स्थ बी में से। विनय, विनय इज देयर? एब्सेंट विनय एब्सेंट है। कार्तिक इज देयर? कार्तिक मैम। यस को बुलाओ बेटा। कार्तिक कहाँ है? आ जा बेटा, असाइनमेंट लेकर आना। कार्तिक चलो यहीं से बता दो, यहीं से बताओ, फिर आगे वाले जिनके पास माइक है वो मुझे आपका आंसर बता देंगे। आप तो मत। सब्सटेंसेस हैविंग ए डेंसिटी लेस देन वाटर सिंक्स। देखो ये जो है लीफ मेरे पास था, वो कहते हैं जो पानी से हल्के हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ये पानी से हल्का है, ये क्या नीचे बैठा? नो नो। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट बेटा कार्तिक ठीक है कि गलत है? सब्सटेंसेस हैविंग डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब वेट, पानी से वेट जिसका ज्यादा है वो नीचे बैठ जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। ट्रू है कि फॉल्स है बेटा? ट्रू बेटा जो पानी से हल्के हैं, हल्की चीजें पानी पे तैरती है कि सिंक कर जाती है बेटा? मैम तैरती है। ट्रू जो पानी से हल्की है वो तैरती है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब इन्होंने कहा है सब्सटेंसेस हैविंग डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है वेट। अपनी असाइनमेंट उठाओ बेटा, असाइनमेंट अपने पास पकड़ो ना। हाँ, हैविंग डेंसिटी लेस देन वाटर सिंक्स। वो कहते हैं कि जो पानी से हल्की चीजें हैं वो सिंक कर जाती है। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स फॉल्स है बेटा। फेदर एंड हॉलो प्लास्टिक बॉल्स फ्लोट इन वाटर। फेदर जो है और छोटी हल्की सी प्लास्टिक की बॉल्स, वो फ्लोट करती है कि सिंक करती है? फ्लोट करती है कि सिंक करती है? फ्लोट फॉल्स करती। बेटा देखो, बैठो बेटा बैठो, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, कैसे आंसर देते हो मुझे समझ में नहीं आते। वो कहते हैं सब्सटेंसेस हैविंग ए डेंसिटी लेस देन वाटर सिंक, दिस इज फॉल्स, क्योंकि जिनकी डेंसिटी कम है, वेट कम है, वो फ्लोट करते हैं। फेदर एंड हॉलो प्लास्टिक बॉल्स फ्लोट्स इन वाटर। ये ठीक है, आपने देखी है पंख पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, तो ये ट्रू है। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। कौन सी ऑप्शन आ जाएगी? हाँ जी बेटा, सिक्स थे फर्स्ट बेंच बॉय। यस यस बोलो। सिक्स्थ बी, आई एम सॉरी, सिक्स्थ बी। हाँ मैम डी। बेटा, दिस इज यस, वेरी गुड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन डी।
ऑयली पैच ऑन ए पेपर इज ट्रांसल्यूसेंट। ये बिल्कुल ठीक है बेटा, अगर हम एक पेपर पे ऑयल डाल दें तो हमें थोड़ा थोड़ा सा पीछे से क्या दिखना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट। ट्रू है ये, है ना। ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। ये जो है लेट अस से दिस इज ओपेक ऑब्जेक्ट, क्या आप अब मेरी शक्ल देख रहे हो? No. क्योंकि इसमें से लाइट पास नहीं कर रही है, और जब लाइट पास नहीं करेगी तो मुझे कैसे देखोगे? ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। ठीक है, तो अब मुझे बताओ असर्शन ट्रू है 6A? यस, एनी स्टूडेंट? हाँ जी, जिसके पास माइक है वो बोले असर्शन ट्रू की फॉल्स। ट्रू ट्रू है, रीजन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। क्या दोनों में कोई कनेक्शन है? नो। ऑप्शन कौन सी आ जाएगी ए बी सी डी में से? बी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16, सेशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कॉटन जो है, यस, हु विल टेल मी? सिक्स्थ बी, लक्ष्य इज देयर? कहाँ पे है लक्ष्य? यस, कोई बात नहीं, यहीं से ही बोलना बेटा। कॉटन इज अ सॉफ्ट मटेरियल, यस और नो? अभी से यस। यस, बिल्कुल ठीक है। कॉटन कैन बी इजीली कंप्रेस्ड एंड स्क्रैच्ड, दिस इज ट्रू? ट्रू, बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। सो कॉटन इज सॉफ्ट बिकॉज इट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड एंड स्क्रैच्ड, एम आई ट्रू? यस, वेरी गुड। तो अब 17 का आंसर बताओ, ए की बी, उसको बोलने दो। हाँ बोलो लक्ष्य। मम्मी से बी। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, कॉटन इज सॉफ्ट मटेरियल बिकॉज इट इज, क्यों है सॉफ्ट? क्योंकि उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। रीजन तो एक्सप्लेन कर रहे हैं असर्शन को, तो आंसर क्या आ जाएगा? मम्मी से ए आंसर आ जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज ए। चलिए जी, चलिए बेटा अब आ जाइए केस स्टडी पे, आ जाओ इससे पिछले वाले पेज पे, केस स्टडी फटाफट से पढ़ो और मुझे आंसर देना है बेटा। सिक्स्थ बी में से इंद्रजोत हरमन गुरनूर, गुरनूर सिंह, सिक्स्थ बी में से एब्सेंट। चलो कोई बात नहीं, आप पढ़ लो बेटा, पहले एक बार पढ़ लो फिर आगे आके आंसर देंगे। पढ़ लो पहले आराम से, ध्यान से पढ़ो, बोलना नहीं, आराम से। पहेली का बर्थडे है एंड हर ग्रैंडमदर गेव हर टू गिफ्ट्स मेड अप ऑफ मेटल, वन ओल्ड डल सिल्वर स्पून एंड ए पेयर ऑफ लस्ट्रस गोल्ड इयररिंग, गोल्ड इयररिंग्स चमकदार और सिल्वर स्पून डल था थोड़ा सा। She was surprised to see the difference in the appearance of दोनों metals के हैं, but एक shine कर रहा है, एक dull है। She has studied that all metals are lustrous, but some are reactive and react with the environment। ठीक है, कुछ जो है react करके वो dull हो जाती है। Rust can be removed and can be prevented। जैसे हम rusting, ध्यान से पहले इधर देखो बेटा, rusting कैसे prevent कर सकते हैं? मेटल्स को पेंट करके। ठीक है, अगर उसको पेंट कर देंगे तो मेटल्स जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगी, उसके ऊपर हमने कवरिंग कर दी ना, तो इसलिए फिर उसमें रस्ट नहीं आएगा। अब कीजिए, थ्री क्वेश्चंस है, जल्दी से डन हो गए। चलिए, हमने किसको बताया बुलाया था? हरमन सिंह, आ जाओ आ जाओ, जिन जिन को बुलाया था आ जाओ आगे आ जाओ।
और तीसरी एंजेलिका आ जाए। हाँ जी, सिक्स्थ बी बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले अपना नाम बताओ बेटा, क्या नाम है? मैम इंद्रजोत सिंह। इंदरजोत। हाँ जी बेटा, सिल्वर स्पून इज डल बिकॉज। आंसर इसे विट टाइम इट रिएक्ट्स विद द एनवायरनमेंट एंड डेवलप्स अ डल ब्लैक लेयर। वेरी गुड इंदरजीत, वेरी गुड बेटा, चलो बैठो। गुड। हाँ जी, सेकंड स्टूडेंट नाम बताओ बेटा। हरमन सिंह। हरमन। ओके हरमन, कैन द सिल्वर स्पून रिगेन इट शाइन? सिल्वर स्पून को क्या हम चमका सकते हैं बेटा दोबारा से? एम नो नहीं कर सकते, वो डल ही रहेंगे। एंजेलिका आप बताओ बेटा, क्या हम चमका सकते हैं? आप बेटा यहीं खड़े रहो 2 मिनट। हाँ, यस और नो, यस कैसे? बेटा उसके ऊपर दोबारा से उसको रगड़ कर, है ना, उसकी रस्ट, जो रस्ट की ना बेटा एक लेयर होती है, उसको रगड़ दे, है ना। अगर आपने अभी कभी अपने पेरेंट्स को देखा हो कि कभी फंक्शन आ रहा है, ज्वेलरी है ना, सिल्वर की गोल्ड की, तो हम कहते हैं इसको ना पॉलिश करवा लाए, क्योंकि पड़े पड़े थोड़े से डल हो जाते हैं, हम इसको चमका लाए। वो कैसे? वो थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, वो रब करते हैं, रबिंग से जो है वो हमारी शाइनिंग दोबारा से आ जाती है। तो अब आ जाता है, कैन द सिल्वर स्पून रिगेन इट शाइन? यस, सिल्वर स्पून कैन रिगेन इट शाइन बाय यू नो क्लीनिंग विद सोप या फिर बाय रबिंग इट। ओके, ठीक है ना, इसलिए तो ये। हाँ जी एंजेलिका बैठो बेटा, अब ये बताएगा हरनूर बताएगा। हाँ जी, सी ऑफ क्वेश्चन जो है, डलनेस ऑफ सिल्वर कैन बी प्रिवेंटेड बाय, कैसे प्रिवेंट करोगे कि हम नहीं चाहते कि सिल्वर जो है वो खत्म हो? एंड पॉलिशिंग आफ्टर रेगुलर पॉलिशिंग, बेटे ये डी आ जाएगा आंसर, बिल्कुल आपका ये भी ठीक है। पहले तो हम इसको कूल ड्राई प्लेस, बैठो बेटा बैठो, कि हम, हाँ जी बेटा बोलो, यस सिक्स्थ बी, यस, जिसका हाथ खड़ा था बोलो बेटा। एम ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। कि भी अगर हम इसको कूल एंड ड्राई प्लेस में, जहां पे एयर से कांटेक्ट ना हो, तब भी रस्टिंग नहीं होगी। उसके बाद क्लीनिंग, थोड़े टाइम बाद इसको साफ करते रहे माइल्ड सोप से, या फिर हम इसको पॉलिश करते, तो रस्टिंग नहीं होगी। तो आंसर इज ऑल द अबव। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए अब जल्दी से। पी क्यू आर एस आपने बताने हैं, और मुझे सिक्स्थ ए में से बताएंगे बेटा। हर्ष, जसकीरत, खुशप्रीत एंड लविश, ये चारों बच्चे तैयार हो जाओ, पढ़ लो एक बार। कर लिया आपने? पढ़ लो बेटा, 2 मिनट लगाओ, करो, लिखो आंसर और फिर आओ। जैसे ही लिखते हो तो आ जाओ आंसर आगे देना। जल्दी से जिस जिसने कर लिया बेटा आ जाओ, जो 4 बच्चों के मैंने नाम लिया फटाफट से। हर्ष, जसकीरत, लवेश, आ जाओ। कौन आया बेटा? आ जाओ आ जाओ आगे। क्या नाम है आपका? नाम बोलो बेटा पहले। माय नेम इज जसकीरत सिंह। जसकीरत, ओके जसकीरत, बताइए। सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन वाटर व्हाइल सम, फ्लोटिंग का ऑपोजिट क्या आ जाएगा? सिंक। सिंक, वेरी गुड, बैठो आप बैठो। सेकंड स्टूडेंट, हाँ जी नेक्स्ट स्टूडेंट आइए जी। हर्ष, हर्ष कहाँ है? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी गुड मॉर्निंग बेटा। वॉटर इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल स्टोन इज मैम ओपेक। ओपेक, वेरी गुड। हर्ष बैठो बेटा। लवेश, लवेश जल्दी से आ जा। चॉक पाउडर इज डैश इन वॉटर व्हाइल सॉल्ट इज डैश। चॉक पाउडर इज सॉल्युबल के इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल,
इनसॉल्युबल, चॉक पाउडर इनसॉल्युबल, व्हाइल सॉल्ट इज नमक पानी में घुलता है कि नहीं बताओ बेटा, नमक नहीं पानी में घुलता बेटा, पहले आते साल मैंने दिखाया था, इट इज सॉल्युबल है ना, सॉल्युबल है राइट। बैठो बेटा बैठो, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स बी का आ जाता है बेटा, करो जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट माय टर्न, किसकी है बेटा, मैं फ्रॉम सिक्स थे, क्या नाम है? हाँ बोलो, खुशप्रीत से। खुशप्रीत, यस बेटा बोलिए जल्दी से। एडिबल सोल्यूबल इन वॉटर, देखो खाने वाली चीज और सोल्यूबल भी हो, असाइनमेंट लाए हो। यस सॉलिड कौन सा, देखो ऑप्शंस यहाँ पे ध्यान से देखो, वेरी गुड खुशप्रीत, आप खुद आए हो कि हमने कौन कौन सी चीजें हैं, मेटल बॉल है, पेंसिल है, सॉल्ट है, हनी, केरोसिन, ऑयल, बटर। अच्छा बेटा आपने खुशप्रीत मुझे ये बताना है, ये एडिबल की इन एडिबल, इसको हम खा सकते हैं कि नहीं? मैं इन एडिबल, इन एडिबल। पेंसिल इन एडिबल की एडिबल? मैं इन एडिबल, इन एडिबल। सॉल्ट एडिबल की इन एडिबल? मैं एडिबल, एडिबल। हनी? मैं एडिबल, केरोसिन? मैं नॉन एडिबल, नॉन एडिबल या इन एडिबल। ऑयल? मैं एडिबल, एडिबल, वेरी गुड। एंड बटर? मैं एडिबल, एडिबल। अब ये बताइए कि इसमें से सॉलिड कौन सा है और लिक्विड कौन सा है, मेटल बॉल सॉलिड की लिक्विड? सॉलिड, सॉलिड। पेंसिल? मैं सॉलिड, सॉल्ट? मैं सॉलिड, हनी? मैं लिक्विड, केरोसिन? मैं लिक्विड, ऑयल? मैं लिक्विड, लिक्विड। बटर? मैं सॉलिड, सॉलिड, हम सेमी सॉलिड कह देंगे। वेरी गुड बेटा बैठो आप, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है जी। चलिए अब आप कर सकते हो नेक्स्ट, सिक्स्थ ए में से बेटा, सॉरी सिक्स्थ बी में से आना था, सिक्स्थ बी में से आना था ना बच्चे, हाँ जी। किसको बताया था, विराज, विराज इज देयर, निकिता, विराज आओ जल्दी से आगे आ जाओ बेटा। अच्छा आप तो यहीं पे ही हो, यहाँ तो बैठे ही रहो, कोई बात नहीं, यहीं से बताओ, क्या नाम है आपका? मैं विराज। विराज इज देयर राइट। तो बेटा एडिबल सॉलिड पी क्या है और क्यू क्या है? मैम एडिबल सॉलिड, हाँ जी मैम सॉल्ट, सॉल्ट है, और क्यू? क्यू आप बेटा कोई सा भी कह सकते हो, हनी भी कह सकते हो, ऑयल भी कह सकते हो, बट यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है, जो सोल्यूबल है पानी में। क्यू क्या है? क्यू इज लिक्विड एडिबल एंड सोल्यूबल इन वॉटर। लिक्विड कौन सा है बेटा, हनी है, ऑयल है, केरोसिन है, पर ये तो इनएडिबल हो गया था आंसर। तो लिक्विड कौन कौन से हो गया, हनी एंड ऑयल, इसमें से बेटा कौन सा सॉल्युबल है पानी में, हनी की ऑयल? हनी, हनी, बिल्कुल बात ठीक है, बैठो विराज। सो क्यू इज, पी जो है, पी मैंने बताया था सॉल्ट है, और क्यू जो है वो है हनी। हाँ जी बेटा, आर क्या है जो इनसॉल्युबल है? हाँ जी बेटा, हु हैज कम, निकिता इज कम,
हाँ जी निकिता, आर क्या आएगा? सिक्स्थ बी, द गर्ल हु इज स्टैंडिंग, क्या नाम है बेटा आपका? मैम निकिता। निकिता, बोलो बेटा आर क्या आएगा? एडिबल एंड इनसॉल्युबल, क्या आएगा? एडिबल देखो कौन कौन सी चीजें हैं, सॉल्ट है, हनी है, ऑयल है, बटर है, ठीक है। तो हमने इसमें से पूछा है कि एडिबल है, इनसॉल्युबल इन वॉटर है, कौन सा आ जाएगा? बोलो मुझे। हाँ जोर से। केरोसिन। केरोसिन एडिबल है? केरोसिन आप पी सकते हो? नहीं बेटा। तो फिर कौन सा आ जाएगा बेटा? या आएगा ऑयल या बटर, ये दोनों पानी में इनसॉल्युबल है, राइट? बैठो बेटा बैठो। नेक्स्ट इज नॉन एडिबल। नेक्स्ट देखो, असाइनमेंट में देखो, नॉन एडिबल फ्लोट्स ऑन वॉटर, कौन सा सॉलिड है जो फ्लोट्स ऑन वॉटर है? तो एडिबल वालों को तो रबी कर दो। पेंसिल, मेटल बॉल की केरोसिन, इन तीनों में से कौन सा फ्लोट करेगा पानी पे? कोई बोलो, सिक्स थे, सारे बोलो बेटा। पेंसिल फ्लोट करेगी? यस। ये सॉलिड है। और उसके बाद लिक्विड कौन सा फ्लोट करेगा? सिक्स्थ बी, कैरोसिन। वेरी गुड बेटा, कैरोसिन को अगर पानी पे डालो तो वो ऊपर ही फ्लोट करता है, नीचे तो जाता नहीं, ठीक है। सो एस इज पेंसिल, टी है कैरोसिन, एंड सिंक इन वॉटर इज मेटल बॉल। क्लियर? चलिए जी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एट, सिक्स्थ ए, देवांश जल्दी से भागकर, देवांश इज देयर? हां जी बेटा। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा, ट्रू नहीं है? मेटल्स आर ग्रुप्ड फॉर कन्वीनियंस, मेटल्स आर ग्रुप्ड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर ग्रुप्ड फॉर फन, मटीरियल सॉरी नॉट मेटल्स मटीरियल, मटीरियल आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? द मटीरियल आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, ये तो बेटा ट्रू है। द मटीरियल आर ग्रुप्ड फॉर फन, फन बिल्कुल ठीक है, हमारे फन के लिए हम करते हैं, ये तो गलत। सो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, आंसर इज सी। बैठो बेटा। विच ऑफ दीज इज ए ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट? अ शीट ऑफ टिश्यू पेपर, वेरी गुड। डी, वी शुड चूज ए मटीरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज, है ना? भी हमने ये जो है ये ऑब्जेक्ट, हमने एक प्लास्टिक की डिब्बी बना ली, इसमें हमने ड्राई मटेरियल स्टोर करना है, ट्रांसल्यूसेंट है, ताकि हमें पता चले कि अंदर क्या क्या स्टोर हुआ है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट चॉइस मेड बाय हर। ए विंडो पैन मेड ऑफ ग्लास टू लुक थ्रू, ए पैन मेड अप ऑफ स्टील टू कुक फूड, ए बकेट मेड अप ऑफ प्लास्टिक टू फिल द वॉटर, ए टम्बलर मेड अप ऑफ वुड टू बॉयल वॉटर, कौन सा ठीक है? मतलब कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? यस, रेज योर हैंड जल्दी से फटाफट, 2 मिनट है हमारे पास। हां जी बेटा, सिक्स्थ ए में से एक हाथ खड़ा है, हां जी बोलो बेटा, फर्स्ट बेंच पे जो गर्ल है। डी, डी ऑप्शन ठीक है, मतलब आंसर इज डी। क्यों है बेटा? व्हाई दिस इज द ट्रू आंसर?
क्योंकि वुड पे बेटा, वुड तो गरम ही नहीं होती, वो तो जल ही जाएगी, यस और नो? तो उसमें हम वाटर कैसे बॉयल कर सकते हैं वुडन पैन में, राइट? बैठो बेटा, वेरी गुड। तो ये एक गलत है कि वुडन पैन में हम पानी बॉयल करें, ये तो गलत है, क्योंकि वुडन पैन तो जल ही जाएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स? रेज योर हैंड्स। 6B, जल्दी से पढ़ो जरा। क्या मेटल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं? नो तो पहली ऑप्शन तो गलत हो गई, सेकंड मैम, है जी डू नॉट शाइन एट ऑल व्हेन पॉलिश, जब उनको पॉलिश करते तो वो शाइन नहीं करते, ये ठीक है कि गलत है? फॉल्स फॉल्स। है, तो ये भी गलत हो गई। सी है बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बेटा मेटल्स जो वायर्स बनती है वो किसकी बनती है? कॉपर की बनती है, कॉपर इज ए मेटल, तो जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स नहीं होते हैं। तो कौन सी बची ऑप्शन? डी, दिल्ली बनती ई कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक। आप देखें जब हम सर्दियों में जाते, सर्दियां या गर्मियों में अगर आप लोहे का गेट टच कर लो तो आपको गर्म लगता है कि नहीं? यस, तो इसका मतलब मेटल्स जो है वो हीट को ट्रेवल करने दे रही है अपने में से, गुड कंडक्टर है मेटल्स, हीट एब्जॉर्ब करती है, तो गुड कंडक्टर्स। सॉलिड होती है मेटल्स, दे आर ओपेक, मेटल्स के थ्रू हम देख नहीं सकते एक्सेप्ट वेरी थिन फिल्म, शाइन्स ब्राइटली व्हेन पॉलिश्ड। तो ऑप्शन डी, दिल्ली वाला डी इज करेक्ट। और लास्ट है, नीरज स्पिल सम वाटर ऑन द फ्लोर, उसको क्लियर करने के लिए वो क्या यूज करेगा? यस, सिक्स थे, द फर्स्ट गर्ल। हां जी बेटा, कॉटन कॉटन क्लॉथ। क्लॉथ, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स वाटर, राइट? सो इट एब्जॉर्ब्स वाटर। अच्छा अब मुझे ये बताओ बेटा, सिक्स थे, द फर्स्ट गर्ल, आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं बेटा? मैम चैप्टर नंबर 1, 2, 3। 3, 3rd, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस भी आने, ठीक है? चलिए, अगर हमें नेक्स्ट मंडे या किसी टाइम मिला तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस भी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल। रीजन असर्शन अब धीरे धीरे आने लगे हैं आपको कि नहीं? चलिए, और देखना जब आप 10th में होगे, जब बोर्ड के पेपर आएंगे, जब बहुत सारे रीजन असर्शन आएंगे, तो फिर आपको इतना होगा कि ले ये तो हमें आते ही है। वैसे तो 6th के बाद ही आपको आने शुरू हो जाएंगे, 6th मैम के चैप्टर बाद। हाँ जी, नंबर 1 और 2 है। मैम कौन सा बेटा? चैप्टर 1 एंड 2, यस 3rd चैप्टर नहीं आना एग्जाम में? नो अच्छा, फिर तो हमने 1 एंड 2 तो कर ही लिए, यस और नो? यस एंड आई थिंक एवरीबडी विल गेट फुल मार्क्स। यस चलिए जी, ओके, दैट्स गुड। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, राइट? तो इफ वी गेट द चांस नेक्स्ट मंडे, वी विल डेफिनेटली डू, हम रिवाइज कर लेंगे, कुछ कुछ और क्वेश्चंस हम आपको करवा देंगे, ठीक है जी? चलिए, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बेटा, बाय।